जो आपका चैप्टर चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैंने आपसे कहा था आप इसमें तीन सीरीज पढ़ोगे। एक तो आपकी होती है लेटर सीरीज, एक आपकी इसमें थी नंबर सीरीज, और एक आपकी इसमें थी मिक्स्ड सीरीज। ना आप दो पढ़ोगे, एक तो इसमें आपका ओल्ड पैटर्न है और एक आपका इसमें न्यू पैटर्न है। अब देखो ये दोनों तो आपकी आती है एसएससी में, लेटर और नंबर। जो ये वाली मिक्स्ड है ये आपकी आती है बैंक में, और बैंक में भी क्या होता है जो ये वाला न्यू पैटर्न, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जो आपका लेटर इसमें समाप्त हो गया, अब आपका नंबर सीरीज चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है? नंबर सीरीज। मैंने इसमें कहा था आपसे इसमें आपके दो केस बनेंगे। एक केस आपका यहाँ पे समाप्त हो गया, तो जो सेकंड केस है जिसमें आपके दो पैटर्न बताए थे, जिसमें सेकंड पैटर्न है आपका, आप उसे क्वेश्चन लिखें। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर, पांच क्वेश्चन शायद आपके हो गए थे, आप छठे क्वेश्चन से लिखें। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका क्या है? जो बॉइल है, BOIL, आपने बॉइल को लिखा है 5, 31, 19, 25, 5, 31, 19, 25। तो ACNE की कोडिंग क्या होगी? ACNE की कोडिंग क्या होगी? जो पैटर्न नंबर वन था मैंने उसमें आप क्या बताया था? कुछ प्लस हो रहा होगा, कुछ प्लस होकर गुणा हो रहा होगा किसी का, प्लस करके डिवाइड हो रहा होगा, अपोजिट लेटर होंगे, अपोजिट लेटर में कुछ मल्टीप्लाई हो रही होगी, अपोजिट लेटर में कुछ डिवाइड हो रहा होगा। वो आपका फर्स्ट पैटर्न था। ये क्या आपका सेकंड पैटर्न है। इसने क्या कहा? इसमें बॉयल को इसने लिखा 5/31/1925। तो ACNE की कोडिंग क्या होगी? जो आपका पैटर्न फर्स्ट था, किसी की मल्टीप्लाई कुछ ऐड, किसी की मल्टीप्लाई कुछ माइनस, वो ये आपका यहाँ पे चलेगा। तो देखो जब आप इसकी बात करते हो, बी कितने पे आता है? दो पे आता है भाई। ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। आई कितने पे आता है? 9। एल कितने पे आता है? 12। भाई देखो ये दो है कितना हो गया? 5। ये 15 कितना हो गया? 31। ये 9 कितना हो गया? 19। ये 12 कितना हो गया? 25 हो गया। तो एक बात बताओ, ये दो से अगर आप इसकी बात करो, ये क्या हो रहा है? दो की गुणा करी इसने, प्लस वन कर दिया। दो दूनी 4 और 1 5। यहां देखो 15 की 2 में करो कितना आएगा? 30। और प्लस क्या? 1। तो आपका 31 आता है। 9 दूनी 18 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 19। ऐसी 12 का डबल कितना होता है? 12 दूनी 24। और प्लस में क्या? 1 कितना आ गया? 5। यानी क्या लॉजिक है आपका? 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1। तो जो यहाँ पे हुआ वही आप यहाँ पे कर दो। अगर एक एक की बात कर दो, एक कहाँ पे आता है? एक पे। सी कितने पाता है? 3 पे। एन कितने पाता है? 14। ई कितने पाता है? 5। तो एक का डबल कितना होता है? 2। 2 में एक जोड़ोगे तो 3। सी का 3 का डबल 6। 6 में एक जोड़ोगे तो 7। 14 का डबल 28। 28 में एक जोड़ोगे तो 29। 5 का डबल 10। 10 में जोड़ोगे तो 11। तो आंसर क्या होगा आपका? 3, 7, 29, 11 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? किसको दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 7, वर्क, WORK। वर्क को आपने लिखा 4, 12, 9, 16। 4, 12, 9, 16। तो बताओ डन, DONE, डन की कोडिंग क्या होगी? DONE, डन की कोडिंग क्या होगी? देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप W की बात करते हो, W कितने पाता है भाई? 13 पे। 23 पाता है। O 15, R 18, K 11। भाई देखो 23 और 4 कितना होता है? 27 होता है। 15 और 12 कितना होता है? 27 होता है। 18 और 9 कितना होता है? 27। 11 और 16 कितना होता है? 27। यानी यहाँ कुछ और नहीं लिखा, अपोजिट लेटर का नंबर लिखा है। अरे W के अपोजिट में क्या आता है? D तो आता है D4, DW, DU। O लव, R इंडियन रेलवे, I पे तो आता है ना, K कानपुर, K PP सोल पे तो आता है। तो एक बात तो होता है, D के विपरीत में क्या आता है? W कितना आएगा? 23। O कितने पे आता है? 15 पे आता है। तो O के विपरीत में क्या आता है? L आता है। L कितने पे आता है? 12 पे आता है। N के विपरीत में क्या आता है? M आएगा। और E इवनिंग, तो क्या आएगा? V। और V कितने पे आता है? 22। और एक
और एम पी कितने बात है 14 आपका 13 एम 13 पा जाएगा। ये ऐसे देख लो आप, ये 4 ओ कितने बात है 15 एन कितने बात है 14 ई कितने बात है 5 तो 27 में से मतलब 27 में 4 घटाओ कितना आएगा 23 27 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा 12 27 में से 14 जाएंगे कितना बचेगा 13 27 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 12 क्योंकि इन दोनों का सम आपका 27 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो कितना आएगा 23 अगर ये 15 कितना आएगा 12 ये 14 तो कितना आएगा 13 ये 5 तो कितना आएगा 22 क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 27 आपका सम होना चाहिए। ठीक है नोट करो इनको जरा। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आप लिखे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वर्क जो वर्क था आपने इसको लिखा जो वर्क था आपने इसको लिखा 5692 तो लव की कोडिंग क्या होगी एल ओ वी ई लव की कोडिंग क्या होगी। देखो सबसे पहले आप इनकी प्लेस लिख लो उससे क्या होगा आपको इजी पड़ जाएगा। देखो डब्ल्यू कितने पाता है 23 पाता है ओ 15 आर 18 के 11 अगर आप देखोगे ये 23 से कितना हो गया 5 ये 15 से कितना हो गया 6 ये 18 से कितना हो गया 9 ये 11 कितना हो गया 2 तो एक बात तो बताओ 2 और 3 कितना होता है 5 5 और 1 6 8 और 1 9 1 और 1 2 तो कुछ और थोड़ा ना हो रहा है जो इनकी प्लेस थी जो इनके नंबर थे इनको योग ऐड कर दिया। जब इसकी बात करते हो एल कितने पाता है 12 15 22 और 5 तो इसको जब प्लस करो कितना आएगा 3 5 और 1 6 2 और 2 4 5 का 5 तो आंसर क्या जाएगा 3645 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे लिखें आप क्वेश्चन नंबर 9 पी आर एम टी क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पी आर एम टी पी आर एम टी इसकी जो कोडिंग है 2497 2497 है 2497 है तो के ओ जे क्यू की कोडिंग क्या होगी के ओ जे क्यू की कोडिंग क्या होगी। देखो आप आम जी को बताओ अगर आप पी की बात करते हो पी कितने पाता है 16 पे आता है आर कितने पे आता है 18 पे आता है एम आपका 13 पे आता है टी आपका 20 पे आता है। अगर आप इसकी बात करो देखो मैंने आपको जब आपका लैडर सीरीज चल रही थी मैंने आपको उसमें बताया था आपके 7 पैटर्न बनते हैं फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पोजिशन बेस्ड ये आपको मैंने बताए थे 7 पैटर्न तो जो वहां पे लगे थे वो भी आपके यहाँ भी लगेंगे वो ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न था। आप देखो इस बात को अगर अगर आप इसकी बात करते हो 6 और 1 7 ये आ गया 7 8 और 1 9 ये आ गया 9 3 और 1 4 ये आ गया 4 2 0 2 ये आ गया 2 तो कुछ और नहीं करा इन्हें तो क्या कर दिया रिवर्स कर दिया तो के कितने बात है 11 ओ 15 जे 10 क्यू 17 तो 7 और 1 8 1 और 1 2 1 0 1 5 और 1 6 तो आंसर क्या हो जाएगा 8 1 6 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किसको दिक्कत तो नहीं है। आगे आप लिखे हैं सिस्टर क्वेश्चन नंबर 10 लिखो भाई 10 में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सिस्टर एस आई एस टी ई आर सिस्टर का जो कोड है आपका 10 9 10 9 10 2 5 9 है 10 9 10 2 5 9 है तो ब्रदर का क्या होगा ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर का कोड क्या होगा ब्रदर। देखो भाई अगर आप सिस्टर की बात करते हो सिस्टर कितने एस कितने बात है 19 आई 9 एस 19 टी 20 ई 5 आर 18 बस देखो 9 और 1 10 9 का 9 9 और 1 10 2 0 2 5 का 5 8 और 1 9 तो ये कुछ और थोड़ा हो रहा है ये तो जो इसके नंबर्स हैं उनका क्या हो रहा है ऐड होके लिखा जा रहा है। तो अगर आप बी की बात करते हो बी कितने बात है 2 आर 18 ओ 15 टी 20 एच 8 ई 5 आर 18 तो एक बात तो बताओ ये 2 का 2 ही तो रहेगा
आठ और एक नौ, पाँच और एक छः, दो जीरो दो, आठ का आठ, पाँच का पाँच, आठ और एक नौ, तो आंसर क्या जाएगा, दो नौ छः दो आठ पाँच आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करना आप इसको भी। और देखो भाई ये क्वेश्चन आप कैसे भी आ सकता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एस आई एस टी ई आर, तो यहाँ पे अगर वो आपको नंबरिंग ना दे, सुनते रहना, अगर वो आपको यहाँ पे नंबरिंग ना दे, वो आपको क्या देगा, यहाँ पे दे देगा आपको जे आई जे बी ई आई। तो यहाँ पर उसने क्या करा, उस बार उसने आपको नंबरिंग ना देखे, इनका आपको अल्फाबेट दे दे कि 10 पे क्या आता है, आई 9 पे कितना आएगा, 10 पे कितना आता है, 2 पे कितना आएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर आपको दो नौ छः दो आठ पाँच लिखना होगा, यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, बी आई एफ बी एच ई आई आपका फिर आंसर हो जाएगा। सही है, तो जरूरी नहीं है वो आपको नंबरिंग दे, हो सकता है वो आपको इनका प्लस करके जो इनका लेटर आएगा, जो अल्फाबेट आएगा इस नंबर पर, वो आपको दे दे। आगे बात समझ में, अब नोट करना आप इनको। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपका रिक्वेस्ट, आर ई रिक्वेस्ट को आपने लिखा एस दो आर पाँच दो टी यू, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे एसिड की कोडिंग क्या होगी, ए सी आई डी की कोडिंग क्या होगी। जब मैंने आपको भी क्वेश्चन दिया था, एक बात बताओ, अगर आप इसकी बात करते हो आर 18 ई 5 क्यू 17 यू 21 ई 5 एस 9 टी 20 एस 19 आर 18 टी 20 यू 21। देखो आर से कितना हो गया एस, एक प्लस कर दिया एस, यहाँ पे 17 से कितना हो गया 18, एस से कितना हो गया 19 से कितना हो गया 20, 20 से कितना हो गया 21। अब आप एक चीज देखो, उसने किस पे नंबर लिखा, एक तो नंबर यहाँ पे लिखा है 2 5 2। देखो ई यू ई ये आपके वोवल्स होते हैं, आपके वोवल्स कितने होते हैं, पाँच ही तो होते हैं, वोवल्स कितने होते हैं आपके, पाँच होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू होते हैं। अगर मैं इनके रिप्लेस की बात करूँ, ये पाँच होते हैं, ये एक पे आएगा, ये आपका दो पे आता है, ये आपका तीन पे, ये आपका चार पे, आपका कहाँ पे आता है, पाँच पे आता है, ये तो होता है। तो एक बात बताओ, ई दो पे आया, ई कितने पे आता है, दो पे, देखो ई कितने पा रहे हैं, दो पे आ रहे हैं, यहाँ भी ई कितने पा रहा है, यहाँ भी देखो कितने पा रहे हैं, दो पे, पर यू कितने पा रहे हैं, पाँच पे, तो यहाँ यू कितने पा आता है, पांच पे, तो यहाँ कुछ और नहीं हुआ, जो अल्फाबेट थे उसमें तो अगला लेटर लिख दिया, और जो आपके वोवल्स उस पर क्या लिखा है, नंबरिंग लिखा है। तो क्या होगा भैया, ए तो आपको वोवल्स है, तो कहाँ पे आता है, ए एक बात है, अगर आप सी की बात करो अल्फाबेट है, कहाँ क्या आएगा, डी आएगा, ई आपका वोवल्स है, आई वोवल्स है, वो आई कितने बात है, तो तीन आएगा आपका, डी के बाद क्या आएगा, ई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 D 3 E आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 लिखे आप, लिखो भाई लफंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपका लफंगे, एल ए एफ ए एन जी ई वाई, लफंगे को आपने लिखा डब्लू जी ई एल सी डी सी जे, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है परिंदे की कोडिंग क्या होगी, परिंदे पी ए परिंदे की कोडिंग क्या होगी, पी ए आर आई एन डी ई वाई परिंदे की कोडिंग क्या होगी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसकी बात करते हो, देखो एल कितने पाता है, 12 पाता है, तो 12 के आसपास को इसमें से आप लेटर पकड़ो, 12 के आसपास क्या आता है, ये 12 पाता है, ये आपका 1 पे आएगा, F6 सिक्स पाता है, A1 वन पाएगा, ए 14, ये 7, E5, Y, Z 25 आता है, W 23 पाता है, G 7 पे आता है, E5 पे आता है, L 12 पे, L 12 पाता है, C3, D4, C3, Z 10। तो देखो ये आप लेटर जब लिखो, जब आपको जरूरत पड़े,
ठीक है, वर्ण की लिखने की जरूरत नहीं आपको। आप मुझे एक बताओ, जब आप इस एल की बात करते हो, एल कितने बात है 12, तो अब इसमें वो लेटर पकड़ो जो 12 के आसपास हो। अगर आप कहते हो भैया पोजिशन बेस्ड है, तो भैया एल तो आप कहते हो एल यहाँ पर आ गया, पर यहाँ वाई था, वाई यहाँ पे कहाँ आया है, पोजिशन बेस्ड कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो अगर आप इस 12 की बात करते हो, ये 12 था, अगर मैं कहता हूँ भैया 10 हुआ, अगर आप देखते हैं तो कुछ चल नहीं रहा आपका, यहाँ 6 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, 11, कुछ चल नहीं रहा आपका। अगर आप इस 12 की बात करते हो, 12 से क्या हो गया 10, क्या करा 2 माइनस 2। अगर आप कहते हो भैया यहाँ से इसने माइनस 2 कर दिया और यहाँ पहुँचा दिया, मैं कहता हूँ चलो भाई ठीक है, अगर ये करा तो ये भी ऐसे जाना चाहिए, ये क्या था 1, ये कितना हो गया 3 हो गया, प्लस क्या हुआ 2। अगर ये एफ था, ये कितना हो गया 4 हो गया, माइनस के 2। ये ए था, ये 3 हो गया, प्लस के क्या 2 हो गया। ये एन था, ये कितना हो गया 12, क्या हुआ माइनस 2। ये 7 था, ये कितना हो गया 5, माइनस के 2। ये 5 था, ये कितना हो गया 7, प्लस के 2। ये 25 है, कितना हो गया 23, माइनस के 2। तो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, पर यहाँ तो बीच में गड़बड़ी आ गई। अरे बीच में गड़बड़ी आ गई ना, पर पैटर्न तो ये बात है, पैटर्न तो ये चल रहा आपका, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, बात तो यही है। अब आप यहाँ निगाहें मारो, अगर एक बार इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं भाई, देखो ए वोवल्स है, ए वोवल्स है, ई वोवल्स है। अगर आप वोवल्स को देखो, वोवल्स में 2 प्लस हो रहा है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, जितने भी आपके वोवल्स थे सब में क्या हुआ प्लस 2 हुआ है, और जो आपके सिंपल थे कॉन्सोनेंट तो उसमें क्या हुआ है माइनस 2 हुआ है। तो हो गया क्वेश्चन आपका। तो एक बात तो बताओ, अगर आप पी की बात करते हो, पी आपका वोवल्स थोड़ी ना कॉन्सोनेंट है, पी कितने बात है आपका 16, 16 में से 2 गए 14 पे क्या आएगा एन आएगा। अगर आप ए की बात करते हो, ए वोवल्स है, 2 प्लस कर दूँ सी आएगा, आर आपका वोवल्स तो नहीं है कॉन्सोनेंट है, तो 2 माइनस करोगे 18 में से 2 गए 16, 16 पे क्या आता है पी, आई तो वोवल्स है 2 प्लस करोगे 11 पे क्या आता है के, एन तो आपको वोवल्स नहीं है 14 पे आता है, 14 में से 2 गए 12 क्या आएगा एल, डी वोवल्स नहीं है तो 2 माइनस करोगे क्या आएगा बी, ई वोवल्स है 2 प्लस करोगे 5 और 2 7 पे क्या आता है जी, वाई आपको वोवल्स नहीं है 2 माइनस करोगे तो डब्लू, तो आंसर क्या होगा डब्लू जी बी एल के पी सी एन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लो आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या कह रहा है आपसे, 13 है आपका मैनेजर, क्वेश्चन नंबर 13 मैनेजर, मैनेजर को आपने लिखा 34, मैनेजर 34, डायरेक्टर को आपने लिखा डायरेक्टर इज इक्वल टू 35, असिस्टेंट को आपने लिखा 36, असिस्टेंट इज इक्वल टू 36। तो स्टाफ की कोडिंग क्या होगी, STAFF, स्टाफ की कोडिंग क्या होगी, जो आपका पहला ऑप्शन है 14, सेकंड 41, थर्ड और ये आपका फोर्थ, थर्ड आपका ऑप्शन है 23 और लास्ट आपका 50 है। आप इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, तो भाई क्वेश्चन देखो आप ही, पर देखो अगर आप मैनेजर की बात करते हो, मैनेजर को आपने क्या लिखा 34, डायरेक्टर को 35, असिस्टेंट को 36। अब देखो अगर आप एम की बात करते हो, एम एन होता है 13, 1 एम एन 14, ए 1 जी 7 ई 5 आर 18। अगर आप इन सबको प्लस भी करते हो कितना आ रहा है 13, 14, 14, 14, 28, 29, 29 और 7, 36, 5, 41 और 18, 57 आ रहा है शायद 57, ये कितना आ रहा है 34, कुछ आ सकता है इसके आसपास नहीं आ रहा। अगर आप इसकी बात करते हो, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, ई कितने पे आता है 9, आर कितने पे आता है 18, ई 5, सी 3, टी 20, ई ओ 15, आर 18, तो यहाँ से भी ऐसे नहीं आएगा कुछ भी। अगर आप इसकी बात करते हो, ए 1, एस 19, 19 नो 19, टी 20, ए 1, एन 14 और टी 20, तो इससे भी नहीं आएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, अब तुम इसे दिमाग लगा रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो एक बात बताओ आप, अगर आप ए की बात करते हो, ये क्या है,
वोवल्स। ये देखो टोटल अल्फाबेट कितने बार ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 3 और 4 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 और 3 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी 9 होता है। यानी ये बात पक्की है, लॉजिक ये लग रहा है, जितने डिजिट हैं उनका सम आपका ये आ रहा है। अगर आप इसकी बात करते हो ये कितने हैं 5 है, तो भाई देखो इन सब का 5 आ रहा है, अब कैसे हो। यानी ये बात तो पक्के लॉजिक तो आपके ही चल रहा है, अगर 7 अल्फाबेट थे 7 ही सम आया। पर आप एक चीज़ ये देखो, अब इसमें आप कितने वोवल्स हैं, अगर आप इसकी बात करते हो ए वोवल्स होता है भाई, ए वोवल्स होता है भाई, ये कितना आता है वोवल्स, तो टोटल 7 अल्फाबेट इसमें से वोवल्स कितने हैं, तो भैया 3 आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 ये 4 आ रहे हैं। यानी ये तो वोवल्स है, ये क्या आपके कौन सा एंट है, अगर जो यहाँ पे लग रहा है अगर यहाँ पे लग जाता आंसर से, ये देखो वोवल्स 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 कितने वोवल्स, 1 2 3 3 आ गया और 5 आपके, 5 और 3 8 होता है, सही है। इसको भी देख लो आप, ए वोवल्स आई वोवल्स ए वोवल्स कितने हैं 3 आ गया 6, यानी लॉजिक आपको ये लग रहा है भाई। तो देखो यहाँ पे कितना है 1 और 4 क्या हैं कॉन्सनेंट, तो आंसर क्या होगा 14 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लो। ये आपके सब लॉजिक लगते हैं, जितने आप प्रैक्टिस करोगे घर जाके उतना तुम आएगा। मैं तो रीजनिंग प्रैक्टिस से खेला सारा का सारा, ठीक है, नोट करना आप इसको। देखो भाई अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका SBI PU में आया हुआ है, फिर आपकी ये नंबर सीरीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिखे क्वेश्चन SBI PU का है, लिखो सीट SEAT, सीट को आपने लिखा है 5 15 15 5 5 15 15 5 5 15 15 5 कट को आपने लिखा CUT, कट को आपने लिखा है CUT, कट को आपने लिखा 5 5 15 5 5 5 15 नहीं 5 10 कर लेना 5 10 5 1 O N E 1 O N E 1 को आपने लिखा भैया, 1 को आप लिखें 050 0, चलो ऐसे लिख दो 050, 1 को आपने लिखा 050, डीप DEEP, डीप को आपने लिखा है डीप 5 20 25 5 20 25, POVR, इसको आपने लिखा 5 15 15 5 5 15 15 5 5 15 15 5 5 15 15 5, इसको यू कर लेना पूरे, ठीक है। आगे आप लिखें पिन को आपने लिखा पिन PIN, पिन को आपने लिखा 5 10 5 5 10 5, नन NONE, नन को आपने लिखा नन 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25, बुक बुक को आपने लिखा इसमें बुक बुक को आपने लिखा है 5 20 20 5 5 20 20 5, 8 ATE को आपने लिखा 050 050 050, पेज
पेज को आपने लिखा, चलो ओपन लेता हूं मैं, पेज पी ए जी ई, पेज को आपने लिखा 525 525 525 525, यानी सभी कोडिंग है पेज की, ये सीट की, कट की, ये है वन की, ये डीप की, ये पोर की, ये पिन नन बुक एट की कोडिंग आपको दे रखी है। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ सिप एस आई पी सिप की कोडिंग क्या होगी, यानी सिप बराबर है इसमें से क्या आएगा आपका डाटा, डी ए टी ए डाटा की कोडिंग क्या होगी आपकी, इव ई वी ई की कोडिंग आपकी क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो इसको एक बार। भाई देखो एक बार बताओ, अगर आप इस देखो, यहां देखो आप देखो, तीन तो यहां पर आए हैं अल्फाबेट, तीन यहां पर हैं, तीन यहां पर हैं और तीन आपके यहां पर हैं। ठीक है, आप मुझे एक बताओ बीच में क्या आया आपका एन आई, ये तो आपका कॉन्सोनेंट है, ये वोवल्स है और ये आपका वोवल्स है, सुनते रहे ना, ये आपका क्या है वोवल्स है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, आपका क्या है कॉन्सोनेंट है। अगर आप आई की बात करो तो ये क्या आपका वोवल्स है, पी क्या है कॉन्सोनेंट, एन क्या है कॉन्सोनेंट है। अगर आप इसकी बात करते हो ए क्या है वोवल्स, ई क्या है वोवल्स और टी क्या है कॉन्सोनेंट है। तो एक बात बताओ, वोवल्स कॉन्सोनेंट वोवल्स, वोवल्स कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट, यानी ये दोनों तो आपके सेम है और ये दोनों आपके सेम है, सुन रहे ना इस बात को, क्या हुआ देखो सी वी सी कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट, तो ये वाले और जो ये दोनों सेम ही तो हैं। तो देखो दोनों कोडिंग भी क्या है पांच दस पांच, पांच दस पांच, यानी सेम है, यानी आपने एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी भैया, ये कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट का खेल चल रहा है। अगर आप इसकी बात करो वोवल्स कॉन्सोनेंट वोवल्स, वोवल्स कॉन्सोनेंट, यानी ये वाला और ये वाला दोनों क्या है सेम है। देखो जीरो पांच जीरो और इसकी भी क्या है जीरो पांच जीरो भी, यानी ये बात तो पक्की है, अगर ऐसा आएगा तो कोडिंग ये आएगी, ऐसा आएगा तो कोडिंग आपकी ये आएगी, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, अगर हो तो बताओ, समझ में आ गया। अब आप आगे देखो, अगर मैं चार वालों की बात करता हूं, ई और ये क्या है वोवल्स है, ये क्या है कॉन्सोनेंट है, किसको दिक्कत तो नहीं है, अरे बता देना अगर किसको दिक्कत हो तो। अगर आप इस वाले की बात करते हो, ये मुझे लगता है आपका वी ही था, ये वी ही कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो आप ये डीप लिखा है, अगर आप इसकी बात करते हो कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, अगर आप इसकी बात करते हो बुक जो लिखा है, बुक देखो बुक बुक कॉन्सोनेंट वोवल्स वोवल्स कॉन्सोनेंट, यानी अगर इन दोनों की भी कोडिंग सेम हुई तो भाई पता चल जाएगा मेरे को, देखो पांच बीस बीस पांच, ये तो ये लिखा है पांच बीस बीस पांच, सीधी सी बात है। अब इसको देखो आप जो वाला बचा था कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, देखो नन देखो आप कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, यानी ये दोनों सेम लिखे हैं आपके, तो देखो कोडिंग भी सेम पांच बीस बीस पांच, पांच ये तो ना दोनों कहाँ गए, देखो ये वाला था ना पांच पंद्रह पंद्रह पांच, नहीं नहीं तो गलत लिखा नहीं तो, अच्छा ये वाला तो ये फिर तो ये कुछ और ही होगा मुझे लगता है, ये चलो भी देख लेंगे, ये अगर ये U है तो ये आपका फोवल से। अब देखो अगर आप इस वाले की बात करते हो, ये वाला जो लिखा आपका ये वाला देखो आप E A, ये भी वो वोवल से और ये भी क्या है वोवल से, ये कॉन्सोनेंट ये भी क्या है, तो देखो इन दोनों का क्या है सेम है ये, ठीक है। पर देखो अब देखो अब आगे मुझे समझ में, देखो एक बात हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका डबल ई आया है और यहाँ पे क्या है डबल ओ, तो ये दोनों कोडिंग क्या है इसलिए समान है। अब देखो अगर आप इसकी बात करते, ये भी वोवल्स है और ये दोनों क्या है, ये अलग अलग वोवल्स हैं, ये भी क्या है ये भी आपके कांगे ओशन, ये भी आपके क्या थे अलग अलग वोवल्स हैं, देखो पांच पंद्रह पंद्रह पांच, पांच पंद्रह पंद्रह पांच, देखो अगर वोवल्स दोनों बीच के सेम है, ये भी सेम था ये भी सेम था, दोनों कोडिंग क्या थी सेम थी। अगर आप सीट की
और पोर की बात करते हो, देखो है तो बीच में दोनों वोवल्स, बट देखो इन दोनों की कोडिंग क्या है, सेम है आपकी। आगे बात समझ में। अगर आप इस पेज को भी देखना चाहो, पेज लिखा है पी ए जी ई, देखो कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स, कोडिंग क्या है 525 525। अब देखो यहां कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स, 525 525 525 525, तो सही तो है। आगे समझ में। तो एक बात, ये लिखा है सिप, ये क्या है कॉन्सोनेंट, ये क्या है वोवल्स, ये क्या है कॉन्सोनेंट, तो सी वी सी 5 10 5, देखो सी वी सी क्या है, ये रहा सी वी सी, तो आंसर क्या 5 10 5 5 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। अगर आप इस डाटा की बात करते हो, कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 25 5 25, कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स, ये तो सी वी वी सी है। इसको देखो इव, वोवल्स कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट, तो क्या होगा 5 0 5 0 5 0 वोवल्स कौन सा, हाँ 5 0 5 0 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका लेटर सीरीज से संबंधित था, ठीक है। तो अब कोडिंग और डिकोडिंग में आपकी दो सीरीज समाप्त हो गई है, एक तो आपकी जो लेटर सीरीज थी और एक आपकी जो नंबर सीरीज थी। हम कल आपसे बात करेंगे किसके ऊपर, जो आपकी मिक्स सीरीज है, मिक्स्ड सीरीज। इसमें भी क्या आपके दो पैटर्न है, ओल्ड और एक आपका न्यू, ये पूरा बैंक के लिए आपका, ठीक है। तो इस पर कल बात करेंगे, आज आप कितने, ठीक है।